हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको ये सेल्फ़ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरना है। ये दोस्तों आईसीएआर टेक्नीशियन के जो एडमिट कार्ड आए हैं उसमें दिया हुआ है ये वाला फॉर्म। ये आपको अपने एडमिट कार्ड के साथ सबमिट करना होगा जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर जाओगे। तो दोस्तों इसको कैसे फिल करना है आप देख सकते हो, इसमें यहाँ पर पूछा गया है यदि आपको इनमें से कोई सा भी सिम्टम्स है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। तो दोस्तों आपको इन पर सभी पर यदि आपको कफ है तो टिक कर देना राइट का, वरना यहाँ पर क्रॉस लगा देना इस बॉक्स के अंदर। यदि आपको कोल्ड है या आपकी रनी नोज है तो भी आप इस पर टिक कर देना, वरना क्रॉस लगा देना। यदि आपको फीवर है तो राइट क्लिक कर देना, मतलब राइट का टिक लगा देना, और यदि फीवर नहीं है तो क्रॉस लगा देना। उसके बाद ब्रीथिंग प्रॉब्लम यानी कि सांस लेने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर राइट का आइकन लगा सकते हो, वरना आप यहाँ पर भी क्रॉस कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नेम फिल करना होगा एंड उसके बाद आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना होगा अपने एडमिट कार्ड से। यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल देना, उसके बाद जिस तारीख को आपका एग्ज़ाम है तो यहाँ पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन डाल देना, उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर नेम यहाँ पर डाल देना। आपके एडमिट कार्ड में ये सारी जानकारी दी हुई होगी, एडमिट कार्ड का मतलब डेट ऑफ एग्ज़ाम भी आपको एडमिट कार्ड में देखने को मिल जाएगी, एग्ज़ाम सेंटर भी आपको अपने एडमिट कार्ड में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देना और इसको अपने एडमिट कार्ड के साथ अटैच कर देना। तो दोस्तों आपको एग्ज़ाम सेंटर पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये आपका वहाँ पर चेक किया जाएगा ये आपने फिल किया है या नहीं। तो दोस्तों इसको फिल कर देना, आज की इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।